हेलो स्टूडेंट्स। सो बहुत सारे बच्चे क्वारी कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। भैया जो हम आईसर के अंदर जो ये वाला जो कोर्स कर रहे हैं, ये किस प्रकार का कोर्स है और ये कोई आईआईटीज वगैरह में तो नहीं मिल रहा ऐसा कोर्स, और ये जो कोर्स मिल रहा है इसके अंदर हमें किस प्रकार की जॉब मिलेगी, और हमें जॉब मिलेगी वो ठीक है, कितना हमारा सैलरी इनकम होगा, जॉब डेस्टिनेशन क्या होगा, कहाँ पे जॉब मिलेगी, हमें एक्चुअल में करना क्या होगा। जो हम आई सर से जो है कोर्स करने वाले हैं, जो हमारा जो IAT टेस्ट देने वाले हैं, सो यार आज हम कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं BSMS कोर्स के बारे में। कितनी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कौन बच्चा क्या कर सकता है, कितना ज़्यादा प्लेसमेंट फोड़ सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कौन सी कंपनी आपको जॉब के लिए उठाएगी, सारा का सारा डिस्कस करेंगे आज अपन इस वीडियो के अंदर। सो यार आप अगर इसको अगर किसी टॉप IIT से कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप अगर BTech के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। यार जो है हमारी जो BTech वगैरह जो हम करते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी, ओके, सो उसके अंदर हमें जो है डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। हम डायरेक्ट हमें जो भी हमारी MNCs है, या फिर टॉप टेक कंपनीज है, या फिर एडू टेक कंपनीज है, ये टेक कंपनीज क्या होती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है ठीक है, और सर्विसेज कंपनीज होती है वो उठा लेती है। एडू टेक कंपनीज के अंदर जो स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, या फिर टीचिंग वगैरह वो उठा लेती है। सर्विसेज के अंदर जैसे हमारी कंपनीज आती है, जैसे विप्रो है, L&T है, जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, टेक महिंद्रा है, एंड अदर अदर हीरो है, जो भी कंपनीज है वो आती है, ओके। आईसर का मेन मोटिव क्या है, आईसर क्यों स्टार्ट किया गया था, आईसर क्या चीज़ है, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। यार गवर्नमेंट ने 2007 में ये डिसीजन लिया था कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देश को आगे बढ़ाना है, तो रिसर्च के लिए हमारे देश में कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, तो जो है हमारे देश के अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर के अंदर, जो कि 7 आईसर जो ओपन हुए हैं हमारे, आईसर पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, बेरहमपुर, और जो भी दो तीन और बच के सारे के सारे, ओके, वो ओपन किए गए, जिसके अंदर जहाँ पे जो है BSMS कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 5 साल का होता है, यानी कि 5 ईयर्स कोर्स होता है, ओके। अब भैया इसके अंदर प्लेसमेंट होता है कि, जी हाँ बिल्कुल होता है, कितना होता है, करोड़ों में होता है, ओके। कब मिलेगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इंटर्नशिप कहाँ करनी पड़ेगी, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, ओके। यार जैसे कि ये जो मेन आपको जनरली पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जो सारा का सारा काम करते हो वो R&D पे करते हो, इसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हो, ओके। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको अपने 5 साल की रिसर्च की आपको बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के ले जाएगी, आपको 2 करोड़ दे देगी, यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे आईसर्स है, इनका जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियों के साथ कनेक्शन है ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे अगर आपका 1 साल आप अगर पढ़ रहे हो, तो आने वाले 2 महीने के लिए आप जो है बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैलिफोर्निया है, एक्सडेक्स है ठीक है, बड़ी बड़ी जो भी अमेरिका की, जापान की, जर्मनी की बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, आप उस पर जा सकते हो 2 महीने के लिए। जो इंटरनेशनल बच्चे हैं वो 2 महीने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, उसको बोलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम। कभी कभी 2 बच्चे जो है एक एक साल के लिए वहाँ पे चले जाते हैं ठीक है। सो यार जो आपको जॉब कैसे मिलेगा इसके अंदर, यार जो है सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ से BSMS कोर्स कंप्लीट किया, फ़ौरन अब्रॉड जाते हैं, वो या तो PhD करते हैं, या फिर पोस्ट डॉक करते हैं। फिर पोस्ट डॉक क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो का मैं टारगेट कर रहा हूँ कम से कम 100 लाइक तो होने ही चाहिए यार ठीक है, 100 तो कर देना। अगर 100 लाइक आपने कर दिए तो मैं स्पेशल आपके लिए पोस्ट डॉक का वीडियो बनाऊंगा, एकदम सिंपल आसान भाषा में, जिससे कि यार मैं ऐसे वीडियोस क्यों बनाता हूँ, रिगार्डिंग बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते बेचारे, नॉर्मल एजुकेशन होती है तो वो भी आसानी से समझ सके, ओके। क्योंकि जो ये वीडियो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है वो पेरेंट्स ही देखते हैं, तो वो मेरे को कॉल करते हैं, भैया ये क्या होता है, वो क्या होता है ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट उनको समझ में आए तो इतना सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, ओके। क्योंकि जो 12th में जो बच्चे होते हैं वो उतना ज़्यादा तो समझ नहीं पाते, तो सारा का सारा डिसीजन जो है उनके पेरेंट्स ही लेते हैं, राइट। आप पेरेंट्स हो ना, बिल्कुल आप ही को बोल रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ओके। सो यार ऑलमोस्ट बच्चे जो है अब्रॉड जाते हैं पोस्ट डॉक करने के लिए, अब या और PhD करने के लिए। अब आपको अगर मैं प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ ठीक है, तो यार प्लेसमेंट जैसे बहुत सारी कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होता है, जैसे आपने लेक्मे का नाम सुना होगा,
जैसे मेरे होंठ गुलाबी दिख रहे हो तुम लोगों को, ठीक है। तो जो हमारी करीमे वगैरह बनाती है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ 2018-19 में एक बच्चे को 1 करोड़ कुछ का प्लेसमेंट मिला था। 1 करोड़? बिल्कुल यार, 1-1.5 करोड़ तो का तो मिनिमम मिल ही जाता है, बिकॉज R&D डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्यूचर के अंदर। जैसे टॉप, अगर आपको मैं कंपनीज की बात कराऊं तो जैसे लैक्मे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अजीत प्रेम जी फाउंडेशन है, और भी मतलब हजारों कॉलेज भरी पड़ी है ऑल ओवर। अभी तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई, बाहर तो अमेरिका में तो भरी पड़ी है। जैसे उसका फॉरेन में प्लेसमेंट हुआ था, आई थिंक 1 करोड़ 25 लाख ऐसे कुछ था, एक बच्चा था आयसर पुणे का। सबसे टॉप का जो आयसर है हमारे देश का वो आयसर पुणे है, देन भोपाल, देन मोहाली। नहीं, जैसे अभी जो कंडीशन बता रहा हूँ वो आयसर पुणे के बाद मोहाली आता है जो कि पंजाब में है, देन भोपाल मध्य प्रदेश में है। ओके, जो इस प्रकार से हमारे देश में टोटली 7 आईसर्स हैं। ओके, और यार प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आपका इंटरेस्ट है इन R&D डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अब मैं 4-5 साल यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद कंप्लीट करता हूँ, जैसे हम IIT या NIT इंजीनियरिंग में करते हैं, तो और मेरे को करोड़ों का प्लेसमेंट मिल जाएगा, कंपनियों में प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी कंपनीज है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने पेटेंट किया है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने ऐसे मुंह उठाया चले गए आयसर में, जो 5 साल की पढ़ाई कर ली और आपको करोड़ों का प्लेसमेंट मिल जाएगा, यार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे को रिसर्च में कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ के कुछ करना है, तो यू कैन डू इट इन आयसर्स, आप कुछ कर सकते हो। आपको लाखों करोड़ों में प्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मतलब टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, सो ये सारा सीन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यार प्लेसमेंट लाखों करोड़ों में, IIT से ज़्यादा प्लेसमेंट आप फोड़ सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस यही है। और आईसर्स यहाँ से करने के बाद जो है 5 साल बाद आप डायरेक्टली बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटियों के साथ कनेक्शन होता है, या फिर आप मतलब इतनी तो आपके पोटेंशियल हो जाता है कि आप डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं हो पाता, हो जाता है, लेकिन बच्चे जाते ही नहीं है प्लेसमेंट के लिए, वो PhD और पोस्ट डॉक के लिए बाहर निकल जाते हैं फॉरेन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर पोस्ट डॉक और PhD करने के लिए। बिकॉज वैल्यू यार हमारे देश के अंदर रिक्वायरमेंट है हमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। और जैसे रामानुजन जो है नए फॉर्मूले बनाता था, वैसे तुम्हें नए प्रोडक्ट डिजाइन करने हैं, नई टेक्नोलॉजी लानी है, सो इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचें हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको फोकस करना है, और इस प्रकार से जो है आप बहुत अच्छा फोड़ सकते हो यार, अगर आपको इंटरेस्ट है इन R&D, और आपको लगता है कि भविष्य देश की एक तुम एक लीड बन सकते हो, तो यू कैन डू इट, कम ऑन गाइस, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, तुमने सुना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में देश के लिए कुछ करना है, इस वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना है, तो यू कैन डू इट, ठीक है, तुम कर सकते हो। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक नई मतलब आप सभी को इसके रिगार्डिंग यूट्यूब वगैरह पर ज़्यादा कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि यार जो है नया कोर्स स्टार्ट हुआ था, उतना ज़्यादा इसको टाइम अभी हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि एक्चुअली में होता क्या है। अभी तक जो है 20-25 हज़ार फॉर्म भरे जा रहे हैं आईसर्स के, आने वाले समय में अभी 40 हज़ार हो जाएंगे, फिर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे हमारे IITs का बढ़ चुका है, आईसर्स का भी बढ़ जाएगा, अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन है, मैक्सिमम 20 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं अभी इसमें। आईसर्स है, नाइसर्स है, इसका अभी तक बच्चों को पता भी नहीं है बहुत सारे को। तो यार अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है। ओके, और मतलब प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, लाखों करोड़ों में होता है, इंटर्नशिप भी अच्छी अच्छी कंपनीज उठा लेती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि 5 साल की BTech के बाद में बहुत सारी मेरी ज़िंदगी एकदम खुश हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर हार्ड वर्किंग है, आप किताबों से बहुत प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मशीनों से बहुत प्यार है मेरी तरह, आप एक रणछोड़ दास चौसठ की तरह हो, तो ये आईसर्स BSMS प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना तुमने। अगर तुमको मशीनों से बहुत प्यार है, अगर तुमको नई नई रिसर्च में बहुत प्यार है, ठीक है, अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खोलना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस में, न्यू टेक्नोलॉजी में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो आईसर्स तुम्हारे लिए है, BSMS प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, ज़रूर आईसर्स ज्वाइन करिए,
इसके लिए आपको जो है IAT टेस्ट देना है। अगर आप वो नहीं देते हैं तो आपको KUPY क्लियर करना है बहुत अच्छे मार्क्स से। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो आपको JEE एडवांस क्लियर करना है बहुत अच्छे मार्क्स से। IAT टेस्ट क्या होता है, आफ्टर द क्वालिफाई द 12th एग्जाम आपको एक टेस्ट देना होता है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर अगर आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। 85% अगर आपके ऑलमोस्ट आ रहे हैं, हर स्टेट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आप जो आई सर्च के लिए एलिजिबल है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। फिर आप टेस्ट 180 मार्क्स का होता है, टेस्ट के बाद में आप डिसाइड किए जाते हो कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है तो नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, ओके, आप उसको फिल कर सकते हो। हमारी जो भी आई सर की फैकल्टी है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, लेकिन ये जो है पेड प्रोसेस है, ठीक है। आई थिंक 100 रुपये है इसके प्राइस, ओके, क्योंकि वो फ्री कोर्स नहीं करते, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम स्टडी एट आई सर्स पुणे एंड अदर अदर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यार खूब पढ़ते रहिए, आई सर्स को फोड़ दो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नया उखाड़िए। थैंक यू।